नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह ने आज विधानसभा में अपने कार्यकाल का पदभार संभाल लिया है। वहीं इस दौरान दयाशंकर सिंह ने प्राइम टीवी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन दयाशंकर सिंह जी ने विधानसभा में पूजा पाठ करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से संभाल ली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, एक बहुत अहम विभाग आपको मिला है और आज आपने नवरात्रि के पहले दिन इसकी जिम्मेदारी विधानसभा कक्ष में संभाल ली है, क्या कहना है, क्या एजेंडा है और क्या तैयारियां? देखिए, सबसे पहले तो जोगी जी के जो संकल्प पत्र है जिसमें परिवहन विभाग के लिए कुछ जो है कार्य आवंटित है, हम पहली प्राथमिकता मेरी वही होगी कि जो संकल्प पत्र में है उसको 100 दिन में पूरा करें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता को एक बेहतर परिवहन सेवा मिले, जहाँ तक अभी परिवहन निगम पहुँच नहीं पाया है वहाँ तक पहुँचाएँ। बहुत सारे अभी ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर आज भी परिवहन की बहुत समस्या है, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव से उत्तर प्रदेश परिवहन को जोड़ें, समय पर हमारी जो है सभी हमारी जो बसें चलें, लोगों को ये विश्वास हो कि मैं अपने गंतव्य पे समय से पहुँच जाऊँगा तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हो और जब मैं पहले वैकल्पिक व्यवस्था कर लूँगा तो जो लीकेज है, हमारी विभाग की लीकेज है उसको भी दूर करूंगा, क्योंकि हमारे मैं कोई बेहतर सेवा तभी दे पाऊंगा कि हमारे राजस्व जो है बढ़े। तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो राजस्व हो वो बढ़े, और ये तभी बढ़ सकता है जब मैं उनको एक बेहतर सेवा दूंगा। लोगों को लगेगा कि नहीं, परिवहन विभाग किसी यात्रा हम करेंगे तो समय से पहुँचेंगे, कम पैसे में ज़्यादा सेवा देने की कोशिश करूँगा। ग्रामीण इलाकों में जो हमारी ग्राम सभाएँ अभी तक इससे अभी अछूती है, कई कई किलोमीटर तक हमारे जो है प्रदेश की जनता अपने आवागमन के लिए उसको पैदल जाना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि हर गांव से कनेक्टिविटी हो और इसके लिए बसों की व्यवस्था होगी। कुछ बसें हम लोग खरीदने जा रहे हैं, कुछ मेरे पैसे बकाया है और विभागों पर, मैं चाहूँगा कि वो पैसे भी हमको मिले तो हम 2000 बसें कम से कम आ जाए, तो हम जो जहाँ पर अभी तक बसें नहीं हैं वहाँ पर हम बसें लगा सकते हैं, और यदि लोगों में विश्वास होगा तो हमको पूर्ण विश्वास है कि मैं जोगी जी के जो इच्छा है परिवहन विभाग को बेहतर करने के लिए, और उसको मैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर वन उत्तर प्रदेश का परिवहन निगम बने, इसकी मैं कोशिश करूंगा। सर, प्रदेश में बड़ा तबका जो है जनसंख्या का वो परिवहन की बसों का इस्तेमाल करता है आवागमन के लिए, लेकिन कुछ शिकायतें भी बीते दिनों बीते सालों में देखने को मिली हैं, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हो गई हो या बसों की कमी की वजह से हो गई हो, तो क्या इन शिकायतों को टैकल करने के लिए, इसका निस्तारण करने के लिए कोई मॉनिटरिंग सेल भी आप लोगों की तरफ से बनाया जाएगा ताकि आने वाले दिनों में जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, उन्हें सुविधा मिल सके? देखिए, सेल और सब चीज़ें बनी हुई हैं, बस उसको बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ करना है, जो चीज़ें हैं उसको हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि पिछले दिनों में बहुत सारे काम बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश की जनसंख्या का 1/4 उत्तर प्रदेश है, तो उसको और भी यहाँ जितना किया जाए उतना ही कम है। तो हम चाहेंगे कि अभी बसों की बेड़ा बढ़े, और एक नियम है कि जो पुरानी बसें होती हैं उसको हम लोग को उसको निकालना पड़ता है, नए बसें खरीदने पड़ते हैं। बहुत दिनों से नई बसें खरीदी नहीं गई, पुरानी बसें जो हमारी कंडम होती चली गई, तो जो जितनी हमारे पास थी व्यवस्था आज उतनी भी व्यवस्था नहीं है। कुछ कोरोना ने भी सभी लोगों को कोरोना ने नुकसान पहुँचाया, उससे हमारा परिवहन निगम भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि परिवहन निगम ने पिछले दिनों में कोरोना काल में बेहतर काम किया है, और ये सबसे मैं कहूँगा कि जो आवश्यकता थी, हमारे बहुत सारे बच्चे कोटा में फंसे थे उसको परिवहन निगम लाए, नोएडा में हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के मजदूर नौजवान खड़े हो गए थे, उनको रातों रात उनके घर तक पहुँचाने का काम हमारे रोडवेज के लोग की व्यवस्था ने किया।
इलाहाबाद में बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में जो हमारे बच्चे थे जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे उनके यहाँ रोडवेज की बसें गई और उनको घर तक पहुंचाने का काम की। कोरोना में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और भी मैंने बहुत सारे काम है कि हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। समय पर हमारी सब सेवाएँ हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान हो, बहुत सारे काम हैं उसको अभी हम करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले तो हम जो संकल्प पत्र में है उसको 100 दिन में पूरा करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी 5 साल जो सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रही है उस दौरान भी परिवहन विभाग में काफ़ी बेहतर काम हुए हैं और आने वाले 5 सालों में भी बेहतर काम होंगे। लेकिन अभी जो 100 दिनों का एजेंडा लेकर के सरकार काम कर रही है उस 100 दिन में हम विकास की गति पर काम करेंगे और परिवहन विभाग को भी एक नए आयाम पर पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन प्राइम टीवी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।